नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अपडेट आ रही हैं, जी हाँ, और इसी के बारे में हम आपको कट ऑफ के बारे में सब कुछ डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दें, रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप परीक्षा काउंसिल की आज बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है, जी हाँ, आपको पता होगा। और इस बताया जा रहा है कि इस कट ऑफ इस ज़्यादा नहीं होने की संयोग है। जी हाँ, आपको मैं जितनी कट ऑफ बताऊँगा उससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 का आयोजन 17 अगस्त से शुरू किया गया था। ये परीक्षा 5 फेज में आयोजित की गई थी। जी हाँ, 5 फेजों में आयोजित की गई थी। सभी फेज के बारे में बताएंगे आपको। अगर हम आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ की बात करें तो इससे पहले और दूसरे फेज की परीक्षाओं की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं तथा इस आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ 2022 को निम्नलिखित कारण द्वारा प्रभावित कर सकती हैं। हम बात करते हैं, आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में और भी जानकारी मिलने वाली रेलवे ग्रुप डी के बारे में। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी के बारे में बड़ी अपडेट आ रही है परीक्षा को रिलेटेड, और आपको बताएंगे आपकी आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट के बारे में भी न्यूज आ चुकी है। आपका रिजल्ट जारी हो चुका ये भी नहीं है या हो चुका, कब आएगा रिजल्ट वो बताने वाले हैं। तो सभी अपडेट आपको उस वीडियो में मिलने वाले हैं। और एक आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी बच्चों के हमारे वीडियो में कमेंट भी आ रहे थे कि किन का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर आने चाहिए और कितने आपके रोम मार्क्स रहेंगे तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इनका भी आपको रिप्लाई ज़रूर हम देंगे। रिजल्ट को लेकर नोटिस आया है सरकार की तरफ से, वो आपको हम वीडियो में एंड तक बन रही है दिखाने वाले। काफ़ी बच्चों का हमारा वीडियो में क्वेश्चन रहता है कि मतलब कि नंबर इतने आए हैं, इतना हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतने परसेंटाइल है, मुंबई सेक्शन से हमने परीक्षा दिए, थर्ड जोन से या सेकंड जोन, फाइव जोन, किसी जोन से दिए, उससे रिलेटेड भी क्वेरीज रहती हैं। तो उसका भी हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। देखिए, आपके काफ़ी हमारे खिलाफ़ वीडियो भी बना रहे लोग कि इतने परसेंटेल पर हमारा बोल रहे कि नंबर नहीं आएगा, तो वो भी आपको डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि 41 पर सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं इसका आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, प्रूफ के साथ हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जो भी लोग कमेंट करते हैं कि फेक वीडियो बनाते हैं, उनके लिए पहली जुबान में बोल देता हूँ, हमारी वीडियो 100% गारंटी के साथ, रिसर्च के साथ, पूरी रिसर्च के साथ बनाई जाती हैं, तो आप हमारे पर विश्वास कर सकते हैं। और आपको आरआरसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। और बता दूँ आपको, आरआरसी 41 आपके नंबर आ रहे हैं ग्रुप डी में, तो आपकी मौज बल्ले बल्ले होने वाली, क्योंकि आपको न्यूज ऐसी प्रोवाइड में कराने वाला हूँ जिसकी आपके ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको ये भी बताने वाला हूँ, आपके सभी जोन हैं उसकी लिस्ट भी अभी जारी हो चुकी है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेंगे और उसके बारे में बताऊंगा लिस्ट में क्या क्या है। और रिजल्ट को लेकर तो नोटिस हम बात करेंगे ही। 40 प्लस के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि बोल रहे हैं कि मेरे 40 प्लस हैं या सिलेक्शन होगा या नहीं, वो भी आपको बताएंगे। हुबली और हुबली के बारे में बताएंगे आपके कौन सी जोन से हैं। हुबली में काफ़ी बच्चे हैं तो उनके भी कमेंट आ रहे थे, उनके भी हम डाउट क्लियर आपके हो जाएंगे। और 40 प्लस के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए आपको बताते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करें सबसे पहले लाइक करें, और आपके कितने नंबर आए हैं मतलब टेलीग्रू ड्रिप में, तो आप अपने नंबर और रो मार्क्स कमेंट कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं हम आपको अगली वीडियो में आपका बता देंगे। चलिए हम पहले तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपको बताने वाला हूँ आपके रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट कब आएगा और किन किन के लिए खुशखबरी आ रही है। सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट आ रहा है हमारे सामने, देख सकते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपका रिजल्ट के बारे में बात करें तो आपको 8 या 9 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है। अब अक्टूबर जो भी चल रहा है महीना, उसके ये अगले महीने में 8 या 9 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ, ये अगली अपडेट है हमारे सामने, आपको मैंने बता दिए जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट होगा कब जारी, वो आपको मैंने बता दिया। अगर आप आरबीसी ग्रुप के डी के रिजल्ट का इंतजार करें तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा इस सप्ताह रेलवे ग्रुप की परीक्षा का परिणाम जारी करने वाली, इस सप्ताह या आपका अगले सप्ताह 8-9 तारीख को आपका फिक्स है कि रिजल्ट आ जाएगा। और हम बात करते हैं आपके फिलहाल विभाग द्वारा आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट डेट 2022 को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी अभी तक नहीं हुई है, जो कि अभी मैंने अभी अशोक गहलोत जी के जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने बताया था, वो फॉर्म मैंने फिल किया था और काफ़ी बच्चों ने भी फिल किया है, उनके बारे में भी न्यूज़ थी।
वो भी आपको मैंने बताई है। और टेलीग्राम पर उपेन्द्र यादव जी ने भी ट्वीट किया है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 8-9 तारीख को आपका हो जाएगा। और जिन किन्हीं बच्चे के 41+ नंबर आ रहे हैं, मैं फ़िलहाल उन्हीं के बात कर रहा हूँ जो SC और ST के कैटेगरी के, जी हाँ, उनका 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जी हाँ, और आपके कौन से जोन से, हुबली जोन से हैं तो आप कमेंट करना ज़रूर, हम आपको बताएंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, अगली वीडियो में आपका डिस्कस कर देंगे। हम बात करते हैं आपके तो रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट का हो गया आपका, और जोन के बारे में बात करते हैं। पहले जोन 1, 2, 3, 4, 5 इन जोन में से आपका जो दूसरे जोन में किसी ने भी सेकंड पारी में जो भी एग्ज़ाम दिया है उसका आपका जो पेपर था बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे इजी था। जी हाँ, इजी तो था, बट उसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व करना इम्पॉसिबल थे, बट काफ़ी बच्चों ने सही से क्वेश्चन किए थे जो मेरे वीडियो में कमेंट बच्चे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है वैसे। और अगला जो भी जोन होगा उसमें जोन में देखा जाएगा कितने बच्चों ने सही सवाल किए हैं या नहीं। तो पहले तो हम बता दूँ, 5 जोन में से आपका जो भी सेफ जोन है उनमें काफ़ी बच्चे आए हैं और काफ़ी नहीं, तो आप कौन से जोन में थे वो भी हमें कमेंट करके बताना। रिजल्ट आपका आ जाएगा, आप रिजल्ट की चिंता न करें। अब हम बात करते हैं आपकी कौन सी जोन से आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे, आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो आपको बताते हैं कौन सी जोन से हैं आप, तो आपके बारे में उसके डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल साथियों, अब हम बात करते हैं आपके RBLC के जोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप कौन से जोन से थे उनके बारे में हम बात करने वाले, जोन से रिलेटेड आप कैसे आप चेक कर पाएंगे अपने जोन के बारे में, तो वो भी आपको बताएंगे कैसे लिंक आपको मिलेगी और किस तरीके से आपको ये प्रोसेस आगे करना है। तो आपको बता दें, आपका जो भी जोन था पहले तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस जोन से थे आप, क्या रॉ मार्क्स थे, क्या नंबर आए थे, वो आप हमें कमेंट करना ताकि हम आपको जज कर पाएँ आपके नंबरों से, ताकि वो हमें आपको पता चल सके। तो RBLC के जोन जो भी थे, अहमदाबाद और अजमेर और इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, ये जोन ऐसे हैं जो इनसे रिलेटेड बच्चे देख सो। मेन तौर पर ये मुंबई से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जो इस जोन से रिलेटेड थे, अहमदाबाद से भी थे, और आपको बात करते चंडीगढ़, चेन्नई, ये मुख्य तौर पर ये जोन है जो जहाँ से बच्चे ज़्यादा थे। और अब हम बात करते हैं डाउनलोड लिंक, ये आपको कैसे कर पाएंगे ये जोन से रिलेटेड, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल पर जाते ही आप उसमें ज्वाइन पर क्लिक करना, और वहाँ पर आपको RRB की जो आपकी जोन लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी जोन लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ईजी है जो कि प्रोसेस है। अब बात करते हैं अहमदाबाद की RBLC जोन के बारे में, इससे रिलेटेड जो भी बच्चे थे इनमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जो कि बच्चे हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे, और इलाहाबाद में भी काफ़ी बच्चे थे जो कि मौजूद नहीं हो पाए थे, बेंगलुरु के भी काफ़ी थे और बिलासपुर के थे, ये मुख्य चार ये के अंदर है, इनमें ही बच्चे काफ़ी परेशान थे, तो इन जोन से थे आप तो कमेंट करना, आपकी स्थिति हम चेक करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे काफ़ी विद्यार्थियों के या साथियों के कमेंट आ रहे थे, उन पर हम चर्चा करते हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं आपके जो भी कमेंट आ रहे थे, आपके जो भी डाउट थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और मैंने बोला भी था पिछले वीडियो में कि कमेंट करना है ताकि आपकी जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। तो मनोज शर्मा जी ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने कमेंट किया पहले तो, और उसके लिए आपको धन्यवाद पहले तो। और अब हम बात करते हैं आपका क्या डाउट है, उन्होंने बोला है कि वेस्ट मुंबई से हैं, ये देख सकते हैं वेस्ट मुंबई से, ओके, इन जोन से, वेस्ट मुंबई जोन से इन्होंने दिया है। परीक्षा 53 EWS से हो सकता है क्या, रिप्लाई में ये EWS से हैं, तो ब्रो मैं आपको बोल दूँ थोड़ा सा आपको को मेहनत करने की ज़रूरत है, EWS से हैं 50 तक आपके चांसेस बोले तो 50-50 चांसेस बनते, और आप थोड़ा प्रयास कीजिए और हो सकता है सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं अगले कमेंट को लेते हैं हम, तो अगला कमेंट आ रहा है अनिल मंडाल जी की तरफ से। इन भाइयों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया हमारे वीडियो में, कहा कि हमारा नंबर लो, क्वेश्चन को लो और पिक करो, जल्दी से रिप्लाई करो, तो ब्रो मैंने आपका वीडियो में रिप्लाई दे दिया है, आप वीडियो देखोगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो इन्होंने भाई ने कमेंट किया PHOH OBC कोलकाता से हैं, और कोलकाता OBC क्या रिजल्ट बनेगा 31.67 क्या, प्लीज़ सर प्लीज़। इन्होंने OBC से हैं और कोलकाता जोन से इन्होंने परीक्षा दिए हैं, तो आपको बता दें उनके 31 ओनली बने हैं, बट को मैं तो होते तो आपका सिलेक्शन
100% हो जाता, बट आपको थोड़ी सी आपको चांसेज हैं, आप थोड़ा और पढ़िए और अगली बार एग्ज़ाम दीजिए। हम बात करते हैं अगले कमेंट को लेकर। तो साथियों अब हम लेते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट आ रहा है निर्मल जाट की तरफ से, भाई की तरफ से। ये तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है और हम इसका जवाब दे देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं भाई को। इन भाई ने कमेंट किया है कि हुबली जोन से OBC ऐसे हैं और 50 नंबर ये बोल रहे हैं 11 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में, इन्हें एनी चांस? ये 11 अक्टूबर से दिया है थर्ड शिफ्ट में पेपर। तो बात करते हैं भाई आप हुबली जोन से। हुबली जोन के बारे में पहले ही मैंने डाउट थे वो क्लियर किए थे, और OBC से हैं बट 50 इनका भी चांसेस बन रहे हैं नंबर आने के। बट ब्रो आप तैयारी कर सकते हैं PET आगे, किसी भी नंबर नहीं आता है तो। एंड इन तीनों भाई के मैंने कमेंट किए हैं और रिप्लाई किए हैं। इन तीनों भाई ने वीडियो देखा है तो कमेंट ज़रूर करना, और आपको चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किसी ने भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।